हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पेटीएम से यूपीआई पिन कैसे बनाते हैं, कैसे सेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने किसी भी बैंक का यूपीआई पिन सेट करना, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पेटीएम से यूपीआई पिन कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेटीएम से यूपीआई पिन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, पेटीएम की एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। जैसे पेटीएम की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप लोग लोगो पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिलता है पेमेंट सेटिंग। पेमेंट सेटिंग पे आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ मिलता है यूपीआई आईडी एंड लिंक बैंक अकाउंट, यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के पेटीएम से जो बैंक लिंक होंगी वो बैंक सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप लोगों को जिस बैंक का यूपीआई पिन बनाना है तो वो बैंक आपकी लिंक नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग ऐड अनदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब आप लोग के जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पे आप लोग सर्च बार में सर्च करेंगे। मेरी है बैंक ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप लोग बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी बैंक, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये देख सकते हैं हमारा जो बैंक है सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। बैंक आपका तभी लिंक होगा जब आप लोग का जिस नंबर से पेटीएम अकाउंट बना है वो मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक होगा। अब हमारा जो बैंक है यहाँ पर जो है लिंक हो चुका है। अब आप लोग को यूपीआई पिन बनाने के लिए आप लोग को करना क्या है, अब यूपीआई पिन बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ मिलता है बैंक ऑफ इंडिया, देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को क्रिएट एम पिन। अगर आप लोगों ने पहले से बनाया होगा तो चेंज एम पिन आएगा, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्रिएट पिन। तो यहाँ पे मैं जो है मेरा चेंज पिन आ रहा है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं यहाँ पे जो है फिर से बनाऊँगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है क्रिएट पिन आएगा या चेंज पिन आएगा यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये आप लोग को बोल रहा है लास्ट 6 डिजिट ऑफ डेबिट कार्ड, इसके बाद यहाँ मिलता है एक्सपायरी डेट। तो आपका जो डेबिट कार्ड रहता है ये देख सकते हैं, जैसे ये डेबिट कार्ड है तो इसके जो लास्ट की जो 6 डिजिट है तो वो आपको डालने होंगे। तो और इसके बाद यहाँ पे मिलता है ये वैलिड थ्रू, तो ये जो लास्ट की एक्सपायरी डेट है 10/27, तो वो आप लोग को यहाँ पे डालना होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और बाकी का आप लोग को यहाँ पे जो स्कैन बोल रहा है स्कैन न्यू कार्ड, तो आप लोग स्कैन भी कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं कार्ड की डिटेल डाल देता हूँ। दोस्तों, मैंने कार्ड की डिटेल डाल दी है और इसके बाद आप लोग प्रोसेड बटन पे क्लिक करेंगे। ये आप लोग के नंबर पे एक ओटीपी सेंड करेगा, तो आप लोग देख सकते हैं यह बोल रहा है एंटर 6 डिजिट ओटीपी। आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी आएगा। तो ये देख सकते हैं ओटीपी मेरे पास आ चुका है, तो ये डल चुका है हमारा। अब यहाँ पर मिलता है राइट करने के लिए आएगा, राइट कर दीजिए। ये बोल रहा है एंटर 4 डिजिट एटीएम पिन, तो आप लोग का जो यहाँ पे एटीएम पिन है तो आप लोगों ने बनाया होगा, तो वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं एटीएम का जो पिन है वो मैं डाल देता हूँ। बाकी का आप लोग जो अपना ये अगर आपने एटीएम कार्ड नया बनवाया होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी का आप लोग अपने एटीएम का जो पिन होता है वो आप लोग डाल दीजिए, तो मैं डाल देता हूँ। अब इसके बाद आप लोग को मिलता है राइट करने के लिए, राइट करेंगे यहाँ पर। अब ये बोल रहा है 4 डिजिट यूपीआई पिन, तो आप लोग 4 अंकों का जो पिन है यूपीआई पिन वो आप लोग सेट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग राइट कीजिए, फिर से आप लोग सेम पिन जो एक डाल दीजिए, राइट कीजिए यहाँ पे और यूपीआई पिन क्रिएट हो जाता है। आप लोग बैक हो जाइए और फिर से आप लोग पेमेंट सेटिंग पे जाइए, और जैसे आप लोग पेमेंट सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ मिलता है यूपीआई लिंक, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ मिलता है चेक, यहाँ पर मिलता है चेक बैलेंस, जो आप लोग चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे। अब आप लोगों ने जो एम पिन बनाया है यूपीआई वो आप डाल दीजिए और राइट कीजिए, और आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे चेक होके आ जाएगा। या देख सकते हैं आपका बैलेंस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप लोग पेटीएम से एक नया यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि पेटीएम से यूपीआई पिन कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को पेटीएम से यूपीआई पिन बनाने में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूँगा। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।